पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पटना में शिक्षकों ने हड़ताल की, हालातों को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया, मौके पर उग्र हुए प्रदर्शनकारी। इंदौर के गीता भवन के पास हादसा, बस में लगी भीषण आग, चलती बस से कूदकर लोगों ने बचाई जान। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में टला बड़ा हादसा, ग्रीन आग सोसाइटी में कई घंटों तक लिफ्ट में फंसा रहा बच्चा, नहीं हुई कोई अनहोनी। वाराणसी में अवैध कब्जे पर नगर निगम की कार्रवाई, जर्जर भवन पर चला बुलडोजर, 14,000 वर्ग मीटर भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। वाराणसी में गंगा में बाढ़ के बाद बदलेगा नमो घाट की व्यवस्था को बदलने की तैयारी, प्रसिद्ध नमो घाट पर फिल्मी गानों पर लगेगा प्रतिबंध, रील बनाने पर भी बैन। पटना एयरपोर्ट का रनवे बना जंग का मैदान, आपस में लड़ते नजर आए सांप और नेवला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के इंदौर सिटी में बारिश से बुरा हाल, मोक्षधाम के रास्ते में पानी जमा होने की वजह से बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में आई परेशानी, जीआरएफ ने कराया अंतिम संस्कार। राजस्थान के हिंडौन सिटी में बारिश से हाल बुरा, बिगड़ते हालातों के बीच डीएम ने बारिश प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश से बिगड़े हालात, स्कूलों में की गई छुट्टी की घोषणा, 24 घंटे में 19 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल की ऊना में बारिश के बाद तबाही का मंजर, चारों तरफ नजर आ रहा है पानी का सैलाब। ऊना में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया है, पानी में बही बारातियों से भरी गाड़ी, गाड़ी में सवार 8 लोगों की मौत की जानकारी। ऊना में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से हुआ नुकसान, दर्जनों गाड़ियां पानी में बही, तेज बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर। ऊना में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिमाचल के नाहर में भारी बारिश के हैं, लगातार बारिश की वजह से मारकंडा नदी का बढ़ा जलस्तर, इलाके में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के नाहन में बारिश का प्रकोप, 196 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश, उफान पर नदी नाले, बारिश की वजह से पानी में समाया हनुमान मंदिर। हरिद्वार में चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही गंगा, निचले इलाकों में जारी किए गए अलर्ट, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने का निर्देश। हिमाचल में बादल फटने के बाद बिगड़े हालात, राहत बचाव कार्य जारी, घटना पर बोले प्रदेश मंत्री जगत सिंह नेगी, 180 से ज्यादा लोगों ने जाने गंवाई हैं, 136 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। जयपुर के करनौता में दर्दनाक हादसा, बांध में डूबने से 5 लोगों की मौत, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुरुग्राम में बारिश का कहर जारी, बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, पानी में खेलते दिखे लोग। गुरुग्राम में तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात, सेक्टर 50-51 में सड़कों पर भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ा है परेशानियों का सामना। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, पानी में फंसी स्कूटी पानी में डूबे दिखे लोग, सड़क पार करते नजर आए। निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। अब मैं एनआरकी के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनआरकी के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिडन वे की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है उसकी डेट, आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई, तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी या कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवीन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में,
कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह, और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। यह वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी। In their pathological hatred against Narendra Modi ji, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. Agar Bharat ka stock market gadbadayega, to small investors pareshan honge ki nahi? Aaj karodon ki sankhya mein small investors hain ki nahi? Chhod dijiye institutional investors ki baat. बाकी बातें, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिंहा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था एफडीआई में, एफआईआई में, क्या वही जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से, उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? तो बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वहां हिंदुओं को लेकर के है, अल्पसंख्यकों को लेकर के है कि कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, कैसे उनको वहां पर सुरक्षित रखा जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीठाधीश्वर तुलसीपीठ जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ चुके हैं। रामभद्राचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी मैं यही जानना चाहती हूँ, बांग्लादेश की तो जानकारी आपको भी मिल रही होगी, क्या किया जाए क्योंकि वहां हिंदू बहुत चिंतित हैं कि कैसे वहां पे खुद को महफूज रखें, सुरक्षित रखें। मुझे बांग्लादेश की प्रत्येक क्षण की जानकारी मिलती जा रही है और हिंदुओं पर जो दमन हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं और जो हिंदुओं की बेटी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे मैं बहुत चिंतित भी हूँ और आक्रोशित भी हूँ। मैं निर्वाध हिंदू धर्म का आचार्य हूँ, मैं भारत के प्रत्येक हिंदू से ये कहूंगा